अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी देखना। इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी देखना तो आपका राइट है ना जनाब, आपको देखना है कि ये यहाँ पर मैं इतनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और इसका अगले 5 सालों में मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। दो बातें होती हैं, लोग सोचते हैं कि यार मैंने अपनी कोई शॉप बनानी है, अपना रिटेल एरिया बनाना है, बच्चे को बिज़नेस करवाना है, वो अपनी जगह पर। बिज़नेस भी उसी वक्त चलेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन का पोटेंशियल वहाँ मौजूद होगा। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये वही बात आ गई कि इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या देखना चाहिए। मैं सबसे पहले तो दो चीज़ें आपको पॉइंट आउट करूँगा, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट सैचुरेटेड एरियाज में ना करें। सैचुरेटेड एरियाज हम किसको बोलते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमतें हाई हो चुकी होती हैं प्रॉपर्टी की, क्योंकि वहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं होती। आज एक चीज़ कोहिनूर सिटी की बात करता हूँ मैं, अब वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया मरला जगह की कीमत हो गई, जबकि आज से 20 साल पहले हमने उसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 5 लाख रुपया मरला में, 5 लाख और 1.5 करोड़ रुपया मरला। 5 लाख को अगर आप देखें तो ये तकरीबन 30 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई आज की डेट में। लेकिन 1.5 करोड़ रुपया मरला जो आज जगह की कीमत है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 30 गुना हो जाए अगले 20 सालों में? सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वहाँ सेचुरेशन हो चुकी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और आने वाले वक्तों में मज़ीद बन जाएगी। शहर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस हो रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर ग्राउंड फ्लोर जो है वो 80,000 रुपया पर स्क्वायर फीट, 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट की सेलिंग की बातें हो रही हैं। अब 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट जब आपने लिया तो आप ज़रा मल्टीप्लाई करें कि ये कितने का हो गया। अगर एक फ्रेंचाइज, अच्छा फ्रेंचाइज, चाहे वो गारमेंट का हो या फूड का हो, उसको मिनिमम एरिया 3,000 स्क्वायर फीट चाहिए होता है, यानी 3,000 स्क्वायर फीट को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3,000 लाख हो गए, 300 मिलियन हो गई, 30 करोड़ रुपए हो गई। अब ये 30 करोड़ की जगह लेके क्या वहाँ से रेंट मिल सकता है इतना? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसका मतलब है कि आपने जो सैचुरेटेड मार्केट्स हैं जहाँ पर रियल एस्टेट की वैल्यू गैर ज़रूरी तौर पर ऊपर जा चुकी है, वहाँ पर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करना और ना करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ने ग्रो भी नहीं करना, वहाँ पर अच्छा रेंट भी नहीं मिलना और वहाँ पर जो फ्रेंचाइजेज हैं जब वो देखेंगे कि हमें इतना कस्टमर फ्लो यहाँ पर नहीं मिल सकता कि हम इतना ज़्यादा रेंट्स निकाल सकें, तो वो क्यों उस बिज़नेस के में आएंगे, क्यों वहाँ पर वो आके खोलेंगे। जिसकी मिसाल इस वक्त मौजूद है, मिसालें ही है कि बहुत सारे आपको सिटी के अंदर बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो रेंट ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक मांग रहे हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक मांगना उनका राइट भी था। लेकिन वो एक रिटेलर जो है वो वहाँ से इतने पैसे कमा ही नहीं सकता कि वो इतना बड़ा रेंट दे सके, जिसका नतीजा होता है कि वो ऐसी जगह खाली होनी शुरू हो जाती हैं और उनका बिज़नेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर बिज़नेस डाउन जा रहा है तो आपका रेंट भी डाउन जाएगा, और अगर रेंट डाउन गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अप्रिशिएट नहीं होगी बल्कि डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। ये वजह है, इसको बहुत गौर से देखना ज़रूरी होता है कि ये आपके सवाल का जवाब इसमें मिल गया होगा आपको कि क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं, कहाँ करूँ और कैसे करूँ। इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो मेरा फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो आपको इसके आंसर्स भी देंगे हम आपको। हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, ये मैंने ड्यूटी समझी है अपनी और ज़िंदगी भर कोशिश की है कि जितना मैं एजुकेट कर सकता हूँ मैं करूँ।